पदाधिकारी, कार्यकर्ता, माताओं, बहनों, भाई बहनों, ये तो मालूम नहीं था कि हमें कहाँ चलना है, लेकिन हमारे पांडे जी कल संयोग से गए थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी सनातन घर में चलना है। मैं कहा उन्हीं का मैं एक छोटा सा लाल हूँ, उसके लिए तो मैं तत्पर हूँ। और छत्तीसगढ़ पीठ के माध्यम से कौशल राज की तरफ से अगर ऐसे कार्य में जाने शुभ अवसर मिले तो अपने आप को मैं धन्य मानता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आप सबसे मुलाकात हुआ। आज हम आप सबको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारी सनातन धर्म की परंपरा ऐसे रही है कि जिसके लिए हम किसी के मोहताज नहीं। सनातन से निकले हुए जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे जितने दूर जाएंगी, लेकिन एक दिन उसी जड़ में आकर सिमट जाएंगी। आज भी इतना होने के बावजूद भी हमारा सनातन धर्म सबसे भारी इसलिए है क्योंकि वो अखंड है, अमिट है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। इसी से सारी शाखाएं निकली हुई हैं। कोई कितना भी उड़ेगा लेकिन एक दिन इसी धरती पर आना पड़ेगा, वो कहीं जाने का रास्ता कोई मिलेगा नहीं। दो भाई होते हैं, झगड़ा होता है, आपस में विरोध होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक कहीं बस जाता है, कहीं बस जाता है, कोई किसी के साथ जुड़ जाता है, कोई किसी के साथ जुड़ जाता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कोई कहे हम बाप बदल लेंगे, माँ बदल लेंगे, तो ये संसार में होने वाला नहीं है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, चाहे कोई कितना भी कर ले, हम आप सबसे आज मिले जरूर। ये कहते हैं हम अपने घर से चल करके एक बात बताने आए हैं, भाई हो मेरे अपने, बस यही याद दिलाने आए। हमारे गए नहीं है, हमारे वही हैं जो मन और सतरूपा के रूप में चले थे, उन्हीं के वंशज हम सब जगह जगह आकर के अपने अपने कार्य में लगे रहे और अपनी लीलाओं को करते रहे। लेकिन मेरी माताओं, बहनों, भाई बंधुओं, जरा विचार करो, हम पैसे रुपए तो कहीं कमा लेंगे, लेकिन सनातन धर्म के लिए एक पल भी निकाल लिए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो किसी काम के हम नहीं रहेंगे। सनातन है क्या? कोई छोटी सी चीज है? नहीं मेरे भाई, सनातन ऐसी परंपरा है जो सबसे चली आ रही है, जब से ये सृष्टि बनी है और जब तक रहेगी सृष्टि तब तक ये मिटने वाला नहीं। ये भारत जो हमारा है, ये सनातन का है। ये अजनाब देश था, लेकिन भारत के नाम से आज भारत बना। भरत जी राजपाट छोड़कर के इस महाद्वीप में रहते हुए अपने आप को भगवान के समर्पित किए, लेकिन फिर भी मोह न अंध कीन के ही, और मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह ने ऐसा डसा कि फिर उनको मृगयोन में जाना पड़ा, लेकिन भगवान में समर्पित थे, जिसके कारण उनको तब भी याद बनी रही और जिसके कारण उनको फिर मनुष्य तन में ब्राह्मण कुल में जाना पड़ा। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न हुए कोट जतन, बिना गुरु के कभी ज्ञान होता नहीं, और गुरु बिन भव निध तर ही न कोई, कोई संसार सागर में बिना गुरु के तर भी नहीं सकता। और गुरु बिन ज्ञान न हुए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। यह सृष्टि का नियम है कि अगर संसार सागर में हम आए हैं तो भगवत भाव को अपने आत्मीयता के साथ दिखावा करने से कोई मतलब नहीं है। आज हमें पहली बार इस छत्तीसगढ़ में 43 साल हो गया, सन 80 में आया, लेकिन पहली बार ऐसा हमको मिला कि हमारे सब एक समान रहे, कोई बंटवारा नहीं रहा कि ये हिंदू हिंदू में ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, शूद्र है, ये नाम मैं यहां नहीं देखा, इस कमरे के अंदर नहीं देखा।
और तो हर जगह बंटवारा देखा है, लेकिन आज हमको आत्मीयता के साथ बड़ी खुशी मिली। सच बताऊं कि पांडे जी इसके हनुमान हमारे बने मिलाने के, आप सबसे आप सब भीषण की तरह यहाँ पड़े रहे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। हम धन्य है कि आप सबसे आज मुलाकात हुई।